हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो नए ब्लॉग पर। तो दोस्तों फिर से आज आ गए हैं नए वीडियो के साथ नए जगह में। तो आज हम जा रहे हैं गरियाबंद, और रायपुर से 82 किलोमीटर दूर है। और देख सकते हो मौसम क्या मस्त लग रहा है, हरा भरा है चारों तरफ। और दोस्तों गरियाबंद हम लोग जा रहे हैं भूतेश्वर महादेव, जो काफ़ी विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है वहाँ, और काफ़ी नाम चलता है चारों तरफ उनका। देख सकते हो रोड क्या मस्त खाली है, और गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर गरियाबंद जाने के लिए आपको बाइक से भी जा सकते हो और प्राइवेट गाड़ी में भी जा सकते हो। तो इधर का जो माहौल है बहुत ही मस्त है, जंगल एरिया है पूरा, चारों तरफ पहाड़ पेड़ झाड़, आपको सब प्राकृतिक नज़ारा देखने को मिलेगा। और सबसे पहले रास्ते में आपको यहाँ पर मिलता है एक छोटा सा मंदिर है, जिसको कचना घुरुआ माता के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर ही रास्ते में मिलता है, जो ये गरियाबंद जाने का रास्ता है वहीं मिलता है, जंगलों के बीच में है। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी भीड़ लगा हुआ है, तो चलिए दर्शन कर लेते हैं यहाँ का पहले। और देख सकते हो कांवर वाले सब यहाँ कांवर रख के यहाँ पर अंदर में शायद विश्राम वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ का सुविधा रहता है। जिस समय यहाँ पर आपका जो सावन चलता है, उस समय यहाँ पर कांवड़ी यात्रा, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं कांवड़ वाले, जो पैदल यहाँ पर यात्रा करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर सब चीज़ सुविधा होता है, खाने पीने का और रहने का। तो चलिए अंदर चलते हैं ऊपर। ये है माता का यहाँ पर मंदिर है, तो अंदर देख सकते हो सीढ़ी वगैरह है, और सब काफ़ी लोग यहाँ पर पहले इसका दर्शन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं गरियाबंद जाने के लिए। तो अंदर में देख सकते हो कितने सारे यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर पूरे कांवड़ यात्री हैं जितने भी हैं। और ये मंदिर है यहाँ से अंदर जाने का, और इधर भी और मंदिर वगैरह है। तो अंदर चलते हैं पहले दर्शन करते हैं। यहाँ पर काफ़ी लंबी भीड़ है, लेकिन अंदर दर्शन करने के लिए सब बारी बारी से लाइन से लगे हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं। और दोस्तों ये अनोखा माता है कचना घुरुआ, जो नाम से ही अजीब लग रहा है। और यहाँ पर देख सकते हो छोटा सा उनका मूर्ति लगा हुआ है, और यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर देख सकते हो बैल जैसे, नंदी जैसे लग रहा है, घोड़ा जैसे लग रहा है, ये सब पूरा दोस्तों पूजा जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हो साथ में है सब, और यही है कचना घुरुआ माता। और इस तरफ भी है जो नंदी बैल है, देख सकते हो यहाँ पर जो तीजापुरा में यूज होता है वैसी नंदी बैल यहाँ पर रखा हुआ है, इसका भी यहाँ पूजा होता है, और ये शिवलिंग जैसे बनाया गया है। तो ये सब था अंदर में। और इस तरफ देख सकते हो पूरे जितने भी यहाँ पर बोलबम जाने वाले हैं कांवड़ वाले, सब यहाँ पर हैं, और विश्राम करने के लिए उनका यहाँ पर विशेष सुविधा है। और इस तरफ और आगे बढ़ने पर यहाँ पर पूरा यहाँ पर भंडारा लगा हुआ है, देख सकते हो सब पूरा यहाँ पर भंडारा बैठे हुए हैं, और पूरा सब चीज़ के यहाँ पर खाने वाने का सुविधा है, जो यहाँ पर आकर विश्राम कर रहे हैं और खाना वाना खा के फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये जगह बहुत ही अच्छा है, जो जंगलों के बीच में है, यह माता का मंदिर, और यहाँ पर बढ़िया सुविधा है खाने पीने का। यहाँ पर देख सकते हो सब थके हुए हैं तो यहीं पर लेटे हुए हैं, और इधर भी है सब पूरा, तो बहुत दूर दूर से अलग अलग जगहों से आए हुए हैं सब ये। और यहाँ पर इधर देख सकते हो खाना बन रहा है, और यहाँ पर दिन भर यहाँ बनते रहता है। और ये देख सकते हो बड़ा बड़ा चूल्हा है, यहाँ पर खाना वगैरह बना रहे हैं, और ये पूरा निःशुल्क है यहाँ पर, जो इधर मंदिर वाले समिति वाले सब यहाँ पर ये सब भंडारा लगाए हैं, या सब भाइयों के लिए जो कांवड़ के लिए, कांवड़ यात्री के लिए इतना दूर से आते हैं। और देख सकते हो काफ़ी थके हुए लग रहे हैं, और सब खाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सुविधा है सब चीज़ का, इधर सावन के दिनों में काफ़ी मस्त है आने के लिए इधर। तो अंदर तो दर्शन कर लिए, अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, मंदिर से बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर देख सकते हो लगा हुआ आना जाना, और ये रोड का किनारे का भाग है ये, देख सकते हो राइट साइड अभी जाएंगे हम लोग गरियाबंद। तो अब हम लोग निकल चुके हैं गरियाबंद के लिए, वहाँ पर कचना घुरुआ माता का मंदिर पड़ता है बीच में, उसको दर्शन करना पड़ता है, और ऐसी मान्यता है कि वहाँ दर्शन करे बिना आगे नहीं बढ़ते हैं। तो दर्शन कर लिए, और यहाँ पर ये थोड़ा ही दूर बाद जाने के बाद यहाँ पर आ जाता है आपका चिंगरा पगार वाटरफॉल, जो देख सकते हैं यहाँ से काफ़ी भीड़ लगा हुआ है, और
यहाँ से पैदल जा रहे हैं सब, गाड़ी वाड़ी यहाँ पास पार्किंग कर रहे हैं। और ये पहले आता है चिंगरा पगार, फिर उसके बाद आता है भूतेश्वर महादेव। तो ये है चिंगरा पगार जाने का। यहाँ से लेफ्ट जाओगे तो अंदर जंगल में आपको 4 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा, और वहाँ पर से बहुत ही ज़बरदस्त चिंगरा पगार का वाटरफॉल, जो काफ़ी अभी इन दोनों अभी पानी वगैरह भरा हुआ है, और नहाने में मज़ा आता है वहाँ, और मनोरंजन के लिए ज़बरदस्त है। तो देख सकते हो काफ़ी भीड़ था वहाँ। तो अब चिंगरा पगार पहले न जाकर हम लोग पहले जाएंगे भूतेश्वर महादेव। और चिंगरा पगार से दोस्तों भूतेश्वर महादेव लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो फिर से सीधा निकल चुके हैं हम लोग, और देख सकते हो सामने पूरा पहाड़ ही पहाड़ है और जंगल है पूरा। तो दोस्तों अगर गरियाबंद साइड आते हो तो आपको बहुत सारे यहाँ पास ऑप्शन मिलता है घूमने के लिए, टूरिस्ट प्लेस यहाँ पास बहुत सारे हैं। जो इधर आपका जतमई घटरानी भी है, वहाँ भी काफ़ी मस्त वाटरफॉल देखने को मिलता है बरसात के दिनों पे, तो वहाँ पे जा सकते हो। तो ये चिंगरा पगार से होते हुए हम लोग जा रहे हैं भूतेश्वर महादेव का मंदिर, जो काफ़ी घने जंगलों में है और विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा शिवलिंग है वहाँ देखने को मिलता है। और यहाँ से छोटे छोटे गाँव को होकर जाना पड़ता है जो यहाँ बीच जंगलों में पड़ता है। तो देख सकते हो ज़्यादा बड़ा तो नहीं रहता है इधर का गांव, लेकिन यहाँ पास पड़ता है 2-3 गांव ऐसा है जो यहाँ पास पड़ता है बीच में चिंगरा पगार और भूतेश्वर महादेव के जो गरियाबंद के बीच रास्ते में, वहाँ पास रोड के किनारे में ही लगा रहता है गाँव पूरा। और इधर से देख सकते हो पूरा कांवड़ यात्री लोग पैदल ही जा रहे हैं, और पूरा उन लोग पूरा पैदल ही जाते हैं जितना भी लंबा दूर है, करीबन 60-70 किलोमीटर दूर से उन लोग पैदल ही यहाँ पास यात्रा करते हैं, और जंगलों के बीच में वो भी। और यहाँ पास एक नदी भी पड़ता है, इसे पैरी नदी कहते हैं। और यहाँ पास देख सकते हो क्या मस्त ओवरब्रिज बना हुआ है, और ये पैरी नदी है दोस्तों यहाँ पास, जो चिंगरा पगार और भूतेश्वर नाथ मंदिर के बीच में पड़ता है। अभी तो पानी कम है, लेकिन बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा पानी भर रहता है, तो ये बीच में नदी पड़ता है पैरी नदी आपका। अब यहाँ से और तो फाइनली हम लोग यहाँ पास पहुँच चुके हैं, और ये देख सकते हो सामने का भंडारा लगे हुआ है, काफ़ी लंबी लाइन है, सभी लोग यहाँ पास लगे हुए हैं लाइन में। और उधर देख सकते हो वहाँ पास है भूतेश्वर महादेव जो अंदर में है, और ये सामने रोड के किनारे का हिस्सा है। यहाँ से देख सकते हो नज़ारा कैसा है, अंदर का तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, यहाँ से भी दूर से देखने में बहुत ही मस्त लगता है, व्यू भी ज़बरदस्त आता है, पास जाकर देखने पर तो और मस्त लगता है। तो अंदर चलते हैं पहले और दर्शन करते हैं फटाक से। तो अंदर आ गए हैं, यहाँ पास पास में देख सकते हो काफ़ी सब लोग फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे हैं, और दर्शन के लिए तो काफ़ी बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पास, और नारियल वगैरह चढ़ाने के लिए तो काफ़ी लंबी लाइन लगा हुआ है, और सभी लोग देख सकते हो काफ़ी यहाँ पास उत्साहित हैं और माहौल का आनंद ले रहे हैं। और चारों तरफ देख सकते हो पूरा सभी श्रद्धालु लोग आए हुए हैं, और देख सकते हो भूतेश्वर नाथ जी पूरा चट्टानों से निर्मित है और काफ़ी प्राचीन है। और यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पास कुछ नहीं था, पहले जंगल था और एक छोटा सा टीला था, उसी से यह जो शिवलिंग है जो छोटा सा पत्थर के आकार में जो टीले के अंदर था, वही आज जो बढ़ रहा है देख सकते हो, और ये लगातार हर साल बढ़ता है। ऐसा कहा जाता है कि हर साल यह 6 से 7 इंच बढ़ता है, और देख भी सकते हो यह, इसलिए ये पूरा दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग में गिना जाता है। और इधर पीछे का देख सकते हो, पीछे से ऐसा लग रहा है पूरा चट्टान है, और पीछे भी काफ़ी चारों तरफ मस्त बनाया गया है, सब तरफ चारों तरफ लोग परिक्रमा कर रहे हैं फ़ोटो वगैरह खिंचाने के लिए, बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड है। इस तरफ भी मंदिर वगैरह है, और यहाँ पर कांवड़ यात्रियों के लिए सुविधा है बैठने के लिए और आराम करने के लिए वहाँ पास बनाया गया है। और इधर से देख सकते हो पूरा चारों तरफ लोग ही लोग हैं। पास जाने पर यहाँ पास पीछे में शेषनाग बनाया गया है मूर्ति, यहाँ पास लोग जा रहे हैं पास में, और वहाँ पास देख सकते हो पत्थर के चट्टानों में तराश करें वहाँ पास माता पार्वती और शंकर जी और उनके पूरे फैमिली को एक साथ यहाँ पास तराश कर यहाँ पास बनाया गया है उनके प्रतिमा को, जो यहाँ पास दिखाई देता है, और इन्हीं का सभी लोग यहाँ पास पूजा वगैरह अर्चना कर रहे हैं। इधर शेषनाग है जो कितना मस्त बनाया गया है, यहाँ पास पशुपतिनाथ को भी यहाँ पास स्थापित किया गया है, और ये शेषनाग है जो काफ़ी मस्त लग रहा है। और इस तरफ है जो देख सकते हो
पूरा तराश के बनाया गया है चट्टान को, और यहाँ पर पूरा एक साथ सभी फैमिली को स्थापित किया गया है भोलेनाथ का, जो देख सकते हो सभी दर्शन कर रहे हैं। और क्या मस्त लग रहा है यहाँ पर, पत्थरों और चट्टानों से बनाया गया है जो काफ़ी मस्त लग रहा है। ये पीछे का हिस्सा है, ये भूतेश्वर महादेव का पीछे का भाग है, इधर पीछे चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और ये सामने से देख सकते हो, सामने का व्यू भी बहुत ही मस्त लगता है, सामने से पूरा काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा है जो यहाँ पर दूर से देखने पर भी मस्त लगता है। और चारों तरफ काफ़ी भीड़ लग रहा है, और ख़ास बात यह है कि आज संडे का दिन है तो और ही अलग नज़ारा है आज का। और सावन के दिनों में दोस्तों ऐसा ही लगता है हर दिन, यहाँ पर भीड़ और माहौल, और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं